मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू और ब्रेड की चाट। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस, उबले हुए आलू, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 2 चम्मच दही, इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सादा नमक। सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस को लेकर इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे। और साथ ही हम उबला हुआ आलू लेकर उसको भी स्लाइस में कट कर लेंगे। ये हमने आलू को इतना पतला स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम ये ब्रेड और आलू के स्लाइस को एक प्लेट में रख लेंगे और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे और पैन में थोड़ा सा घी डालकर घी को गर्म होने देंगे। तवा गर्म होते ही इस पर हम आलू के सारे स्लाइस को रख देंगे। और इन्हें हम फ्राई होने देंगे। नीचे से आलू हल्के से फ्राई हो गए हैं, इन्हें अब हम पलट देंगे। और दूसरी तरफ से भी अच्छा कुरकुरा होने तक आलू को हम सिकने देंगे। अब ये आलू दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी पैन में हम ब्रेड के टुकड़ों को रख देंगे और उन्हें भी अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब ये ब्रेड भी बहुत अच्छे से सिक गई हैं, अब इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम ये सिके हुए आलू और ब्रेड को इस दोने में डाल देंगे। पहले हम ब्रेड के स्लाइस को रखेंगे, फिर हम इस पे तले हुए आलू रख देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 चम्मच फ्रेश फेटा हुआ दही, इमली की मीठी चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ थोड़ा प्याज, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च हम और डाल देंगे। ये लीजिए, ब्रेड और आलू की चटपटी चाट बनकर तैयार है। चाट की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे बनाकर जरूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।